दोस्तों पानी लाइफ की बेसिक जरूरतों में से एक है और उसके बिना दुनिया में किसी का भी काम नहीं चल सकता। वैसे देखा जाए तो एक फैक्ट यह भी है कि दुनिया भर में 70% पानी होने के बावजूद पीने लायक पानी की किल्लत का सामना बहुत से जगहों पर करना पड़ रहा है। दोस्तों यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर तीसरे व्यक्ति को पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं है। भारत में कई नदियां सूख रही हैं और ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे गिरता जा रहा है और माना जाता है कि साल 2050 तक पानी का संकट बेहद खराब रूप ले सकता है। लेकिन दोस्तों पानी की कमी से जूझता एक ऐसा देश है इजराइल, जो लगातार ऐसी इन्वेंटेड में जुटा रहता है जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी जुटाया जा सके। दोस्तों मैं इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एकदम यूनिक है, क्योंकि इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम वाटर जेन है, जो एक ऐसी मशीन की खोज कर दी है जो हवा से ही साफ पानी बना लेती है। यही नहीं, इजराइल कंपनी ने इस मशीन को कार में कामयाबी से फिट भी कर लिया है, जिससे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ज्यादा कारगर हो गई है। दोस्तों वाटर जेन का कहना है कि कार किसी भी ब्रांड की हो सकती है, लेकिन यह मशीन लग जाने के बाद वह नॉर्मल कार नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके बाद कार किसी को भी शुद्ध साफ पानी पिला सकेगी। वाटर जेन इसराइल की राजधानी तेल अविव स्थित हेडक्वार्टर का दौरा कर हमारे रिपोर्टर उमा शंकर सिंह ने इस मशीन के बारे में सिर्फ जानकारी हासिल नहीं की, बल्कि कार में लगी मशीन के जरिए हवा की नमी को सोख कर बनाया गया पानी पीकर भी देखा। दोस्तों पानी बनाने वाली इस मशीन को वाटर जेन कंपनी ने कार के बूट एरिया यानी डिक्की में फिट किया है और पानी उपलब्ध कराने के लिए नल कार में गियरबॉक्स के नजदीक लगाया है, ताकि कार की सवारियों को पानी आसानी से मिल सके। अब वाटर जेन कंपनी दुनिया के कई कार मैन्युफैक्चरर से बात कर रही है ताकि इस मशीन को हर तरह मॉडल में फिट किया जा सके। दरअसल वाटर जेन पिछले कई सालों से हवा की नमी को सोख कर पानी बनाने की तकनीक विकसित करने पर काम करती आ रही है और इस मशीन से पहले इस तरह के वाटर जनरेटर बना चुकी है जो घरों और दफ्तरों में लगाए जा रहे हैं। दोस्तों उमा शंकर ने एक दफ्तर में लगी मशीन का भी मुआयना किया जो दिखने में आम वाटर डिस्पेंसर मशीन जैसा दिखता है। बस फर्क इतना है कि दफ्तर में आमतौर पर लगी मशीनों में पानी की बड़ी बोतल को मशीन पर टिकाना होता है, लेकिन इस मशीन में पानी की कोई बोतल नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि आसपास की हवा से नमी को सोकर पानी बना लेती है। दोस्तों वाटर जेन कंपनी द्वारा घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाई गई मशीन 24 घंटे में 30 लीटर पानी बना सकती है। वाटर जेन का कहना है कि यह मशीन स्मूथली से काम करने के लिए हवा में मात्र 20% की नमी इनफ होता है। इस मशीन के जरिए हवा में से नमी को सोकर बनाए गए पानी की खनिज यानी मिनरल भी मिलाए जाते हैं, ताकि पानी शुद्ध के साथ साथ पौष्टिक भी रहे। वैसे अच्छी खबर यह है कि इजराइल की वाटर जेन कंपनी द्वारा बनाई गई इस मशीन के लिए उनके साथ मिलकर काम कर रही भारतीय कंपनी SMV जयपुरिया ग्रुप के मुताबिक भारत में इसकी मांग काफी बढ़ रही है, जो इनक्रेजिंग है। वाटर जेन के CEO ने कहा है कि घरों और दफ्तरों में इस्तेमाल की जाने वाली दोनों मशीनें के लिए हमें भारत से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वैसे इन मशीनों के अलावा वाटर जेन ने ऐसे बड़े बड़े वाटर जनरेटर भी तैयार किए हैं जो समूचे दफ्तर या दफ्तरों और घरों के समूह को भी पानी की सेमलेस सप्लाई दे सके। ऐसा ही एक वाटर जनरेटर वाटर जेन कंपनी के हेडक्वार्टर की छत पर लगा हुआ है। दोस्तों कार और दफ्तर के भीतर लगाए जाने वाले वाटर जनरेटर की क्षमता कम होते हैं, लेकिन छत पर रखे जाने वाले ऐसे जनरेटर भी है जो कई फ्लैटों या पूरे बड़े बड़े दफ्तरों की पानी की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। देखा जाए तो वाटर जेन कंपनी की छत पर लगा वाटर जनरेटर 24 घंटे में 800 से 900 लीटर तक पानी पैदा करता है और उसे दफ्तर में नीचे भेजता है। वाटर जेन के सीनियर ऑफिसर मिकी सोहम ने बताया, एक बड़ा जनरेटर है जो 24 घंटे में 6000 लीटर पानी पैदा कर सकता है और इसका इस्तेमाल कम्युनिटी लेवल पर किया जा सकता है, यानी यह जनरेटर एक साथ कई घरों कई दफ्तरों तक पानी की समस्या को पूरा कर सकता है। उनके मुताबिक इस तरह से बनाए जाने वाली पानी की कीमत लगभग 50 से 60 पैसे प्रति लीटर हो सकती है, लेकिन इसका कोई प्रूफ की कोई अभी भी इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है। खैर दोस्तों इसराइल के अनोखे टेक्निक के बारे में जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, यह टेक्निक हमारे देश में इस्तेमाल करने से कैसा प्रभाव पड़ेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।